के लिए आपके पास एक वाई नाम का चीज होना पड़ता है, वाई आपके अंदर पड़ा होना चाहिए। और मैंने इस सेशन का नाम आपने नोटिस किया होगा तो दिया है ये वाइज, WHYIZE, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है। इस सेशन के वाइज होने का मतलब ऐसा है, ये जानबूझ के ऐसा नाम दिया है, इसका पर्पस ये है कि वाई जब आप बोले तो उसमें IZE जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये बेसिकली वाइज बन जाएगा, WISE। और हम सब लोग वाइज हैं और वाइज बनना चाहते हैं, कंटिन्यूअस हम जो एफर्ट लेते रहते हैं, हम वाइज बनने का एफर्ट लेते रहते हैं, हम और ज्यादा वाइज बनना चाहते हैं, मतलब वाइजर एंड वाइजर एंड वाइजर हम होते जाना चाहते हैं। जब हम वाइजर होने की बात करते हैं तो वाइज किस सेंस में हो सकते हैं, जितना ज्यादा हम वाई पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा, इफ यू आस्क वाई यू विल बिकम वाइज। वाई, वाई का सवाल आप अपने आप से पूछें, सराउंडिंग से पूछें, सामने वाले से पूछें, और ये क्वेश्चन का आंसर लें कि क्यों, ये पेन मैं भी ले रहा हूं और मैं इस पेन का कुछ कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, तो सबसे पहला वाई ये है कि मैं ये पेन क्यों लूं, मैं कन्विंस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये मेरी कंपनी का पेन है और ये पेन होना चाहिए तब ये बात नहीं जमेगी। आई नीड टू बी वेरी क्लियर। हम अभी किस चीज में हैं, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हैं। इतने समय से जो हम करते चले आए हैं, हर हफ्ते में 3 दिन, वो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करते आए हैं, हफ्ते में 4 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हम क्या कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट के बारे में वाई में जा रहे हैं, हम वाई को समझ रहे हैं, लेकिन इस एंगल से समझना पड़ेगा उसको कि ये सही में वाई किसके लिए, मतलब ये क्यों पेन मुझे लेना चाहिए। यदि मैं एकदम क्लियर हूं पेन लेना चाहिए, तब मुझे एक दूसरा वाई लेना पड़ेगा कि दूसरा कोई आदमी को जब मैं ये पेन रिकमेंड करूंगा तो वो ये पेन क्यों लेना चाहिए। इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे आने वाले 3-5 स्लाइड में। तो ये एक वाइज का कॉन्सेप्ट है। आप सब लोग वाइज होने के लिए तैयार हैं, पहले टाइप कीजिए यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप वाइज होने के लिए तैयार हैं, तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन उस वाइज की तरफ एक कदम होगा। और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, ये कोई सेशन की समाप्ति नहीं हो गई है, मैं और एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स लेके आ रहा हूं आपके साथ, मैं कंटिन्यूअस बना रहूंगा। और मैं आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करने जा रहा हूं जिसमें कि हम एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल बनाने जाएंगे, जब आप सीधे हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो वो सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। समझते हैं इस पॉइंटर्स को जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो कि हमेशा वाई पे जोड़ दीजिए, हर समय वाई तैयार रखिए अपने साथ, वाई पे जोड़ दीजिए और हमेशा सोचिए कि ये वाई कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। वाई जो है आपका पर्पस को सॉल्व करना चाहिए। आप जिस बात में कहीं पे अटक रहे हैं, कोई हर्डल आ रही है, कोई बाधा आ रही है, आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो वाई करके कन्विंस कीजिए, वाई करके क्लैरिफाई हो जाइए। और जब क्लैरिफाई हो जाएंगे, जितना ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे, उतना ज्यादा आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएंगे। और आप सब लोग मार्केटिंग से हैं, आप सब लोग स्ट्रेटजिस्ट हैं, आपको ये बिल्कुल मालूम है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितनी बड़ी चीज है। यदि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग हो गया तो फिर आप जो है इस पर्टिकुलर मॉडल को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो एक ये बात हुई। और एक बात मैं कहना चाहता हूं वाई के साथ कि जितनी बार आप वाई पूछते हैं वो आपको वाइज बनाता है। किस मामले में? हर मामले में, हेल्थ के मामले में, बिजनेस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, यू नेम इट, हर चीज के मामले में आपको वाइज बनाएगा वाई पूछेंगे। तो आप यदि हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, तो यदि हेल्दी फूड खाना है और मतलब खाना ही है, मेरे को नियम बना दिया है खाना है, या फिर ऐसा ही कड़वा खाना है या नहीं खाना है, तो एक डिफरेंट बात होगी। लेकिन यदि आपने ये अपने आप को तय किया कि क्यों मुझे हेल्दी फूड खाना है, क्यों मुझे जंक फूड नहीं खाना है, क्यों मुझे डीप फ्राइड सामान नहीं खाना है, क्यों मुझे ट्रांसफैट नहीं खाना है, क्यों मुझे ज्यादा नमक नहीं खाना है, क्यों, वाई वाई यदि आपके दिमाग में बड़ा सा है, क्लियर है, तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको वो करेंगे। एक डायबिटिक आदमी यदि ये समझ जाए कि ये शुगर ज्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको आप जबरदस्ती भी चाय पिलाएंगे, जबरदस्ती भी कुछ मीठा देंगे, तो वो कहेगा कि नहीं, ये मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता, क्लियर हटा देगा। लेकिन यदि वो वाई उसका क्लियर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वो छुपा के भी खा लेगा, कुछ और करके भी खा लेगा। तो वाई इतनी बड़ी चीज है, वाई को बड़ा करना पड़ेगा आपको, मेक द वाई बिगर। तो हेल्थ की बात मैं बता रहा था, बिजनेस की बात कर लीजिए, वाई, मुझे ये नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देखना चाहिए, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, मुझे आज ये क्यों कंप्लीट कर लेना चाहिए, मुझे आज इतना घंटा क्यों काम करना चाहिए,
वाई यदि आपका क्लियर है तो ये बिजनेस और आपका प्रोफेशन और आपका वर्क हर कुछ बहुत बढ़िया से होगा। रिलेशनशिप की बात करें, वाई यदि आपकी पति है, आपका पत्नी है, आपके पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आप जो भी रिलेशनशिप की बात करें, तो यदि आप रिलेशनशिप की बात और भी आती है, केवल फैमिली रिलेशनशिप नहीं होता है, आपके एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप है, आपके कलीग के साथ है, आपके कोवर्कर के साथ है, आपके को डायरेक्टर के साथ है, आपके रिलेशनशिप सब जगह पे, आपके सप्लायर के साथ है, बायर के साथ है, एसोसिएट्स के साथ है, आपके वेंडर्स के साथ है, हर के साथ आपका रिलेशनशिप है। जब आप रिलेशनशिप की बात करें वहां पे भी ये वाई बहुत जरूरी है। वाई ये व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाई ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वाई ये व्यक्ति की ये गलतियां हो रही हैं, ये गलतियां क्यों कर रहा है, वाई। और जब वाई पे ज्यादा आप बड़ा रखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। तो हम आज जिस बात की कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हैं। तो यहाँ पे वाई क्या क्या है, किन तरह के वाई की बात हमने इतने समय की है। आपने देखा होगा कि हर बार मैं सेशन को काफी लंबा लेता था, मतलब अपने टाइम ओवर हो जाती थी तब तक मैं बोलता ही रह जाता था। क्यों? क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि आपके वाई में कोई कसर ना रह जाए। और यहां तक कि आज हमने स्पेशल सेशन लिया क्योंकि आपके वाई क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर पाए। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के संदर्भ में यदि बात करें तो क्या क्या वाई हो सकते हैं, वाई क्या है, कुछ वाइज मैं आपके साथ बताता हूं। एक वाई है कि वाई सप्लीमेंट, हम सारे के सारे सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यह आता है कि आपका ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट छोड़िए, सप्लीमेंट क्यों लें, वाई सप्लीमेंट, इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सवाल में हम उसको ये करेंगे, एडवांस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। आपको अभी हमारे पास से कम्युनिकेशन आना शुरू होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यदि आप नहीं हैं आप कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज अब मैं पर्सनली उसमें कुछ चीजें आपको कम्युनिकेशन शुरू करने वाला हूं। तो वो सारी चीजें आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में, तो बाद की बात है, पहली बात है कि सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए आखिर, तो पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि सप्लीमेंट तो हो गया, गोयंगी क्यों लेना चाहिए, कोई दूसरा ब्रांड क्यों नहीं लेना चाहिए, एक्स वाई जेड बहुत सारे ब्रांड है, ABCDZ तक ब्रांड है बाजार में, तो हमें गोयंग क्यों लेना चाहिए, दूसरा और गोयंग में क्या फर्क है, वाई गोयंग। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है, बट मैं आपको पॉइंटर्स बोलूं तो हमने बात की कि ये नेचुरल है और प्रिजर्वेटिव फ्री है, प्योर है और क्लीन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इस बात को पूरी की पूरी तरीके से मैच करने वाला कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप सप्लीमेंट की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्स में प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, उसमें केमिकल्स मिलेंगे, केमिकली सिंथेसाइज करके बनाया जाएगा, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर होंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर होंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर होंगे, शक्कर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आपके पास जो गोयंग का प्रोडक्ट होगा वो शुगर फ्री होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं होगा, आर्टिफिशियल कलर नहीं होगा, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होगा। तो एक तरीके से आपका क्लैरिफिकेशन हुआ कि वाई गोयंग। इसके अलावा आपका गोयंग जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इनहाउस रिसर्च R&D डेवलपमेंट करके बनाया गया प्रोडक्ट है, एक दिन में सीधा व्हाइट लेबलिंग करके नहीं बना दिया गया है, तो बैकिंग है। रिसर्च के तीन लेयर्स हैं, आपने जो है रॉ मटेरियल का COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जिसको कहते हैं उसको टू द पॉइंट चेक किया, TLC करके, थिन लेयर केमेटोग्राफी करके आपने रॉ मटेरियल को चेक किया। उसके बाद आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के दरमियान जो क्वालिटी चेक्स होते हैं वो हुए, और प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आपकी क्वालिटी चेक्स हुई, थर्ड पार्टी चेक्स हुई, थर्ड पार्टी लैब ने चेक किया, और उसके बाद आपकी क्वालिटी को इंश्योर किया गया। तो ये एक बात हुई। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करें तो हर एक सर्टिफिकेशन आपके डब्बे पे मिलेगा, आपके पैक पे मिलेगा, तो दैट मीन्स उस तरीके की क्वालिटी की बात हो रही है। आप प्राइस की बात करें तो फेयरेस्ट प्राइस, ये कह सकते हैं फेयरेस्ट प्राइस, इससे फेयर प्राइस की बात नहीं की जा सके, ऐसा फेयरेस्ट प्राइस। और वो आप एप्पल टू एप्पल कभी भी कंपैरिजन करके देख लें, कोई भी गोयंग का प्रोडक्ट उठाएं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें कि ये कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का बेस्ट लीजिए। लेकिन देखिए, एप्पल टू एप्पल मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मारुति अल्टो का कंपैरिजन जो है जैगुआर से जाके कर दिया, बोला दोनों तो गाड़ी ही है, दोनों में तो चार चक्के हैं, दोनों में AC है, दोनों चलती है, दोनों में स्टीयरिंग है, लेकिन एक जो है अंडर 5 लाख रुपीज की गाड़ी है और एक जो है 70 लाख रुपए की गाड़ी, तो कुछ कुछ फर्क होनी पड़ेगी दोनों में। तो पॉइंट ये है कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर होना चाहिए, एप्पल से गुआवा कंपेयर नहीं हो सकता। तो एप्पल टू एप्पल जब कंपेयर करेंगे तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं आज एक दो एग्जांपल आपको बता दूं। एक अमेरिकन कंपनी है जिसका प्रोटीन सप्लीमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है, आप सबको नाम पता है, यदि उसकी बात आप करेंगे तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस 2350 है,
आधा किलो का पाउडर है, 2350 है आपका प्रोडक्ट, आपके पास दो दो प्रोटीन है, डिट्टो सेम प्रोटीन है आपका प्रोटीन, डिट्टो सेम, आप कंपेयर कर लीजिए क्वालिटी वाइज, रॉ मटेरियल वाइज, सर्टिफिकेशन वाइज, हर कुछ कंपेयर कर लीजिए, डिट्टो सेम है, इनफैक्ट आपका थोड़ा बेहतर है बिकॉज यू हैव गॉट अश्वगंधा एंड ब्राह्मी विद इन इट। अब इसकी बात करें तो आपका प्रोडक्ट 999 रुपीज में आपको मिलता है, वो 2350 में मिलता है, आप कंपेयर कर लीजिए, 150 रुपए की बात ही नहीं हो रही। और कंपेयर कर लीजिए आपके एंटीऑक्सीडेंट की बात कर लीजिए, जो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट बेचने वाला है अभी आज की डेट में मार्केट में, उसके एंटीऑक्सीडेंट की प्राइस चेक कर लीजिए, 2500 रुपए है एमआरपी, आपका भी 2500 रुपए है, आपका कितने में आपको मिलता है, 999 रुपीज में आपको मिलता है। उसके वाले में शुगर है, आपके वाले में शुगर फ्री है, क्वालिटी उससे बेहतर आप कह सकते हो, कहने की जरूरत पड़े तो, टेस्ट कभी भी करके देख लो आप, दोनों को टेस्ट करके आप देख लीजिए, बाकी कोई लैब में टेस्ट करा के देख लीजिए। सो द पॉइंट इज कि आपके पास आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले लें, आज की डेट में किसी का पता नहीं करना है, आपको गूगल करना है, गूगल करके चेक कर लीजिए उसका क्या प्राइस है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कीजिए, हमेशा एप्पल को एप्पल से ही कंपेयर कीजिए, उसके रेंज की प्रोडक्ट की बात कीजिए, क्वालिटी चेक करिए और फिर बात करिए। तो मेरा कहना है कि ये जो क्वालिटी है, फेयरेस्ट प्राइस है, वैल्यू वैल्यू दिया गया उस प्राइस के लिए, ये चीज आपको सुनिश्चित हो जाना है कि गोयंग में ये बात हमेशा लागू रहेगी, हमेशा लागू रहेगी। दूसरी चीज है कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं गोयंग ब्रांड के साथ, इस पूरे के पूरे मिशन के साथ मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं। तीसरी बात, आपकी खुद की कंपनी है, खुद का ब्रांड है, गोयंग आपका खुद का ब्रांड है, किसी दूसरे का ब्रांड नहीं लिया है, कोई प्राइवेट लेवल करा के नहीं लिया है। और फॉर्मुलेशन होता है, ये व्हाइट लेबलिंग नहीं होती, फॉर्मुलेशन होता है, दैट मींस ये जो है किसी का एक पेन बना हुआ है, उसमें एक और किसी का नाम लिख दिया और आपको दे दिया, ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट की व्हाइट लेबलिंग होती है और प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन होती है। आपके प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन वाले प्रोडक्ट है, मतलब उस प्रोडक्ट का एक रिसर्च बेस्ड है, वो बना है, उसका फॉर्मूला आपके पास है, आपको मालूम है, कोई दूसरा वो नहीं बना रहा। तो उस तरीके से यदि आप चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेबल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, लेबल, स्टार्ट रीडिंग द लेबल। मैं हर बार आपको ट्रेनिंग में भी कहता हूं, स्टार्ट रीडिंग लेबल। लेबल जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे, न्यूट्रीम्यूनो एक प्रोडक्ट आप लीजिए, इसके लेबल की बात करिए, लेबल को आप पढ़ेंगे तो लेबल पे क्या लिखा हुआ है, येलो से देखिए क्या लिखा हुआ है, 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स, 9 बेनिफिशियल हर्ब्स, ये सारे के सारे आपके एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, इस प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट बाकी से डिफरेंट कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कंपेयर करना है, किसी दूसरे से नहीं, आप तीसरे से कंपेयर कर लीजिए, आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो, इस तरह की चीजें जो बाजार में मिलती है उससे कंपेयर कर लें, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बाजार में मिल रहे हैं, किसी कंपनी में मिल रहे हैं, सबको कंपेयर कर लीजिए और आपके लेबल को पढ़िए, उसकी बात को मत पढ़िए, लेबल को पढ़िए। लेबल पे कोई गलत नहीं लिख सकता, लेबल रेगुलेटेड है, FDA उसको रेगुलेट करता है। तो आप लेबल को पढ़िए और देखिए कि लेबल पे क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का ब्रांड है, आप टीवी पे यदि कोई भी चीज देखते होंगे तो हर पांचवां, दस, आठवां एड उसी का आ जाता होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। उस ब्रांड की प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा करके यदि बताया जाए तो वो बताता है कि 32 न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, 32 न्यूट्रिएंट हैं उसमें, शुगर है भर के, 32 न्यूट्रिएंट हैं, आपके वाले में शुगर नहीं है और आपके वाले में 44 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं, 32 नहीं है, 44 है। इम्यूनिटी बूस्टर उसके ऊपर से 15 हैं, 9 बेनिफिशियल हर्ब्स हैं। तो आप कंपेयर करिए किसी चीज को एप्पल टू एप्पल और फिर समझिए कि आपके पास क्या है, उसका डिफरेंस क्या है और फिर इसके जैसा कोई दूसरा है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का फर्क आता है। और लेबल को रीड करना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपको पिछली बार भी मैंने लेबल बताया था, लेबल क्लेम करता है कि 100% RDA, आप देखिए यहाँ पे लेबल क्लेम कर रहा है, यहाँ पे 100% RDA, रेगुलेटरी रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है तत्वों का, वो सारा 100% इसके दो चम्मच में है। इतना ही नहीं, आप ये लेबल पढ़िए, इसका इंग्रेडिएंट का लेबल है, आप इस लेबल को जब पढ़ते हैं तो आप देखिए क्या 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 चीजें हैं, कितनी कितनी मात्रा में है, कैसे हैं। तो ये जो लेबल पढ़ने की बात करेंगे और किसी दूसरे का लेबल आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई इज दैट बिग। तो वाई की बात हुई, इसको हम समझते हैं और इसीलिए द बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ। आप जितना बड़ा वाई को बड़ा करेंगे उतना आपका इजी जो है हाउ हो जाएगा, ये क्यों करना है, कैसे करना है। एंड ये जो वाई है, ये वाई पे जब आप फोकस करेंगे तो
ये भी ये बात आएगी कि आपको तो लेना है ये सप्लीमेंट का वाई आपको समझ में आया, लेकिन ये भी समझ में आने लगेगा कि वाई समवन एल्स शुड टेक योर गोयंग सप्लीमेंट, क्योंकि ये आपका ब्रांड है, तो आपका जो गोयंग सप्लीमेंट है वो कोई और क्यों लेना चाहिए, ये वाई समझ में आ जाएगा और इसको जो है नेक्स्ट लेवल हुआ। तो पहले आप क्लियर हो गए फिर वाई समझ में आ गया। तो वाई समवन एल्स शुड टेक योर गोयंग सप्लीमेंट क्लियर हुआ, या वाई समवन शुड गेट नेक्स्ट स्क्रीन डन, नेक्स्ट स्क्रीन किसी को क्यों कराना चाहिए, या फिर नेक्स्ट स्कैन क्यों कराना चाहिए, इस तरीके का टेस्ट क्यों कराना चाहिए, ये क्यों जो है वाई जो है बड़ा होके क्लियर होते चला जाएगा, या फिर नेक्स्ट प्रेनियर क्यों बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रेनियर बनने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है ऐप डाउनलोड किया और आपने ऐप को एक्टिवेट करा लिया, मतलब क्या हुआ आप नेक्स्ट प्रेनियर बन गए। अब किसी को नेक्स्ट प्रेनियर क्यों बनना चाहिए, ये क्यों, ये वाई यदि आप बहुत क्लियर हैं तो ये आप नेक्स्ट प्रीमियर बहुत ज्यादा बना पाएंगे। आपके टीम में बहुत सारे नेक्स्ट प्रीमियर होंगे, बहुत सारे परफॉर्मिंग नेक्स्ट प्रीमियर होंगे, बट वाई बड़ा होना चाहिए। वाई बड़ा है तो ये, और एक और चीज इसमें होनी चाहिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। उस व्यक्ति के शू में खड़ा होकर देखिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। आपके लिए तो ये ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये पेन अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए। उसके शू में खड़ा होकर देखिए कि उसको ये न्यूट्रीम्यूनो में क्या दिख रहा है, उसके लिए ये न्यूट्रोमिनो क्यों अच्छा होना चाहिए। उसके लैंग्वेज में यदि ये वाई आप समझ लिया और उसके लैंग्वेज में बताया तो वो बहुत बड़ा क्लियरिटी आ गई। तो वाई उस तरीके से होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपका ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट ले लिया है, अब क्यू एंड ए के लिए मैं तैयार हूँ। ये क्यू एंड ए सेशन ऑन है, अब मैं स्क्रीन भी बंद कर देता हूँ। अब आप हैंड रेज करिए और सवाल पूछिए, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप सीधे सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा, और मैं आपके साथ आधे घंटे हूं, 45 मिनट्स हूं अभी। यस प्लीज गो अहेड, रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। अमित कुमार प्रजापति, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो, हाँ अमित जी, क्वेश्चन पूछिए, आपका माइक ऑन है। चलिए, आपका बैकग्राउंड में ज्यादा साउंड है, वही लोग क्वेश्चन हैंड रेज करें जो क्वेश्चन पूछने की स्थिति में है। प्लीज महादेव सर, स्वागत है आपका। महादेव जी फ्रॉम सांगली। महादेव राजकर जी सांगली, मैं एक बार जितना हैंड रेज पहले से मैं उसको डाउन कर देता हूं। कर दीजिए, यस ये ठीक रहेगा, फ्रेश हैंड रेज। वही लोग क्वेश्चन पूछें जिनको वाकई पूछना है, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन अगर एक बार जवाब दे दिया गया तो सेम क्वेश्चन के लिए आप पुनः ना हैंड रेज करें, दूसरे क्वेश्चन से भी आपके जवाब मिल सकते हैं बातों के। विजेंद्र कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, स्वागत है आपका। विजेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे एक दोस्त है, उसकी मदर के ना गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है। सुबह सुबह वो रोज कैप्सूल लेती है, अगर वो कैप्सूल नहीं लेती है तो उसके कलेजे में कुछ अलग सा तेजाब वगैरह बन जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके लिए सबसे पहले एक हमारा सेशन हुआ था जिसपे हमने डाइजेस्ट की बात करी थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, आप भी देखें और उनको भी दिखा दें, उसमें सारे सवाल का जवाब है। और वो कैप्सूल जो लेती है वो क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी उसमें बताया। अच्छा सर, थैंक यू सर। एक अगला हैंड रेज है, मेघदुम संतोष जी सांगली। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारा 8 साल का बच्चा है, उसको बोलने में तकलीफ होती है, रुक रुक के बोलता है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा पड़ेगा। हाँ हक लगता है। तो ये हकलाने की जो बात है उसका कनेक्शन जो है दो चीजों से है। एक है कि उसकी पूरी जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात की जाए वो वाली चीज को सुनिश्चित करनी चाहिए, और दूसरा चीज कि उसको साइकोलॉजिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो फीलिंग है उसको ठीक करना चाहिए। साइकोलॉजिकल फीलिंग का मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को कहीं पे बोलने में ना थोड़ा सा संकोच हो रहा है या कभी घबरा रहा हूँ,
तो फकलाने की बात है। बहुत लोग आप नोटिस करेंगे कि आपके बिजनेस में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो एकदम बढ़िया बात करते हैं, कभी स्टेज पे माइक दे दिया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि बच्चे को स्वच्छंद होके बोलने दिया जाए और उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाए। और आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है न्यूट्री म्यूनो बोल के, जो बच्चे को यदि आप रेगुलर देते हैं तो उसके बारे में आपका चिंता खत्म हो जाएगा कि न्यूट्रिशन कहीं पे लैक हुआ या बैलेंस न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट का लैक का कहानी खत्म हो गया। अब इसके अलावा जो तीसरा लेवल है वो ये है कि यदि हकलाना ज्यादा है तो बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो लोग आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। और हर शहर में आपको स्पीच थेरेपिस्ट मिलेंगे, आपके सांगली में भी मिलेंगे, में तो मिलेंगे। क्या आवाज नहीं आ रही सर? आपकी आवाज क्लियर है तो ये सिग्नल आपका कुछ वीक होगा। मैं कह रहा था कि आप एक थेरेपिस्ट की भी मदद लें जो आपको गाइड करेंगे उसके लिए। कितने दिन तक लेना पड़ेगा सर? क्या चीज? न्यूट्रिमिनो उस बच्चे को कितने दिन तक लेना पड़ेगा? आपका एंगल समझिए, आप जो है दवाई कोई नहीं ले रहे, न्यूट्रिमिनो दवाई नहीं है। आप जब हॉर्लिक्स करते हैं तो कभी सोचते हैं कि कितने दिन के लिए हॉर्लिक्स लेना पड़ेगा? आप जब घर में रोटी या दाल चावल खाते हैं तो कभी सोचते हैं कितने दिन तक चावल खाना पड़ेगा, दाल खाना पड़ेगा? तो ये आपका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आपको आज इच्छा है तो लीजिए, कल इच्छा है तो मत लीजिए। इसका कोई इसका ड्यूरेशन नहीं है, कोई इसका टाइम नहीं है। बट यदि कोई एक 60 डेज लेता है तो उसको उसका रिजल्ट समझ में आएगा, उसके बाद उसको खुद देने की इच्छा होगी। ये आपका सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है। तो ना ये दवाई का काम करता है, ना दवाई की तरह इसका कोई ड्यूरेशन है। अच्छा अच्छा, और एक सवाल है सर जी, अपने आउट ऑफ स्टॉक हो गया है प्रोडक्ट, वो कब तक आएंगे? बायोटिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है? बायोटिन एक ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, वो भी सिर्फ 5 दिन से हुआ है, जो हमारे ख्याल से अगले वीक से फिर रिस्टोर होगा। अगले वीक में रिस्टोर होगा। ओके सर, थैंक यू। थोड़े लॉकडाउन वगैरह डिफरेंट जगहों पे चल रहे हैं तो जो प्रोडक्शन है वो अब तक पहुंच नहीं पाया है। शाहनवाज आलम जी फ्रॉम ओमान, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। शाहनवाज आलम, अगर आप सुन पा रहे कनेक्ट होने में हम लोग बहुत अच्छा टाइम वेस्ट कर ले रहे हैं। प्रहलाद जी, फिर उनके बाद लेते हैं। प्रहलाद सिंह सोलंकी फ्रॉम कोटा। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोलंकी सर, बताएं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर मैं प्रोटीन प्लस एंड जो सिंपल प्रोटीन है उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन से लेना चाहिए। दोनों सेम है, दोनों की प्राइस भी सेम है। एक जो है आयुर्वेद फॉर्मुलेशन में बना हुआ है, एक जो है FSSAI के फॉर्मुलेशन में बना हुआ है, एक जो है पूरा का पूरा 95% प्रोटीन है, और एक जो है आपके पूरे के पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के साथ लैस है। तो दोनों की अपनी फीचर है, दोनों शुगर फ्री है और दोनों ड्यूपॉन्ट मटेरियल से बने हैं, और दोनों का PDCAS 1 है, मतलब हाईएस्ट PDCAS है। तो कहने का मतलब कि दोनों प्रोटीन जो है प्रॉपर हैं। किसी को आपको एक का टेस्ट डिफरेंट लगेगा, एक का टेस्ट डिफरेंट लगेगा, बिकॉज एक जो बना है वो अमाइनो एसिड्स का पूरा बात कर रहा है, और एक जो है वो पूरा का पूरा एक अलग तरीके का फ्रेंच वनीला फ्लेवर में बना हुआ है। प्रोटीन्स की बात करेंगे तो खास करके बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। यदि आप दूध में प्रोटीन्स 2 चम्मच 1 चम्मच मिला दिया तो दूध बहुत स्वीट हो जाएगा, और दूध में शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध का टेस्ट बदल जाएगा। दूसरी चीज कि उसमें शुगर फ्री है, वो शुगर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं। तो क्या हुआ कि आपको मिठास भी मिल गई, टेस्ट भी मिल गया, और दूध में वो डल के चला भी गया। तो डिपेंड करता है, आप ट्राई कर लें, आपको जो टेस्ट अच्छा लगे। प्राइस तो दोनों का सेम है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हेलो जी सर, बोले। यस सर, 1 साल का मेरा बेबी है सर, तो मैं उसको न्यूट्रीमिनो दे सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने के ऊपर मेरे न्यूट्रीमिनो के सेशन में हमने डिटेल में से चर्चा की थी कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार है, ये हर चीज पे लिखा होता है। 6 महीने के बाद और जब तक हम जिंदा हैं तब तक न्यूट्रीम्यूनो परफेक्ट है। ओके सर, तो उसको मतलब डोजेस कोई फिक्स नहीं है ना, कैसे भी आधा चम्मच? ये सप्लीमेंट है, आप 3 चम्मच भी दे सकते हैं, 1 चम्मच भी दे सकते हैं, बट यदि आप बैलेंस 1 से 2 चम्मच देते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब बच्चा एकदम छोटा है तो आपको ग्रोथ में इसमें हर चीज में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। सर पानी में मिला के दे सकते हैं क्या? पानी में मिला के दे सकते हैं, बच्चे के टेस्ट पे है। खाली इतना चीज समझना है न्यूट्रीम्यूनो के मामले में, आपके सवाल के माध्यम से मैं पूरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हैं अभी,
मैं सबको बता देना चाहता हूं कि न्यूट्री म्यूनो में आपको प्रोटीन जैसा बेहतरीन टेस्ट नहीं मिलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए ये बहुत ट्रिकी बात है कि आप अपने बच्चे को ये टेस्ट फुली कैसे दे पाएंगे, बिकॉज एक बार यदि उसको टेस्ट पसंद नहीं आया तो वो अवॉइड करने लगेगा, भिंडी की सब्जी हो जाएगी। आप देखिए बहुत लोग बड़े होके बूढ़े होके भी भिंडी पसंद नहीं करते या कोई खास सब्जी पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि बचपन में वो टेस्ट नहीं आया था कभी, तो नहीं आया तो उसके बाद वो भिंडी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही ये एक बार यदि आपने दिया और उसको पसंद नहीं आया तो वो फिर कहेगा कि ये नहीं लेना है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छे से बनाएं ताकि उसको पसंद आ जाए। दूध में बनाएं, दूध से एलर्जी है तो पानी में बनाएं। अब इसमें टेस्ट क्यों थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो ये है कि इसके अंदर जब आप लेबल पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रीड द लेबल, जब लेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हर विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है, B6 है, B3 है, ये जो पूरा का पूरा विटामिन है, ये मिनरल्स हैं, जिंक है, तो ये सारे के सारे का बी कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल लीजिए, डिकोसूल टाइप का, और उसको फोड़ दीजिए, मतलब कैप्सूल खोल दीजिए और उसको जरा रख के देखिए मुंह में, आपके सिस्टम हिलेगी। तो वो वाली पूरी चीज इसके अंदर है। हर को साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर पाटिल के रिसर्च से मास्किंग किया गया है। मास्किंग किया गया है मतलब वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो फ्लेवर नहीं मिलेगा और वो आपके पेट में चला जाएगा और जाके पेट में ही उसका काम हो जाएगा। तो ये मास्किंग करने के बाद भी थोड़ा सा टेस्ट, हल्का सा मेडिसिनल टेस्ट उसमें रह जाता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा न्यूट्री म्यूनो में। इसीलिए न्यूट्री म्यूनो को थोड़ा सा तरीके से आप टेस्ट फुली लें। एक बार टेस्ट सिंक हो गए तो इससे बढ़िया चीज है ही नहीं, बिकॉज ये 100% RDA पूरा करता है। पोस्ट कोविड बेहतरीन प्रोडक्ट है, प्री कोविड इम्यूनिटी के लिए एक्स्ट्रा बढ़िया प्रोडक्ट है, स्वस्थ आदमी के लिए, बुजुर्ग आदमी के लिए, बूढ़े आदमी के लिए, कोई भी आदमी जो किसी चीज की दवाई ले रहा है, दर्द की दवाई ले रहा है, इसकी ले रहा है, उसकी ले रहा है, कोई चीज की दवाई ले रहा है, दवाई यदि ले रहा है और वो न्यूट्री म्यूनो ले रहा है तो दवाई डबल असर करेगा। तो बहुत सारा इसका जो बेनिफिट है, डायबिटिक ले सकता है, कार्डियक वाला ले सकता है, लीवर वाला ले सकता है, किडनी वाला ले सकता है, इट डज नॉट हैव एनी हार्म। ये इस तरीके का हार्श चीज कहीं पे ये कर ही नहीं रहा है और शुगर फ्री है, तो सेफ है सबके लिए। यस प्लीज। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोहनप्रीत सिंह जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक तो थैंक्स फॉर शेयरिंग अस एंड गिविंग अस सो मच ट्रेनिंग एंड द क्वेश्चंस आर सर, एक तो मेरे को थायराइड के लिए स्पेशली चाहिए कि कौन से एक दो पटाटे इकट्ठे दे सकते हैं। आपके पास थायराइड के लिए न्यूट्री म्यूनो नाम का एक प्रोडक्ट है जिसका कि थायराइड पे अच्छा रिजल्ट देखा गया, और एक दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास स्लिम एंड डिटॉक्स बोल के। नाउ स्लिम एंड डिटॉक्स का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाइल्स और फिस्टुला और इस पे आया हुआ है, कोलोन क्लींजिंग पे आया हुआ है। किसी को यदि हल्का सा पाइल्स जैसी या पाइल्स जैसी बात कुछ है तो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है, लेकिन उसका चूंकि एंडोक्राइन सिस्टम से लेना देना है, वो आपके इम्यून सिस्टम को टच करता है और वो आपके पूरे ग्लैंड्स को टच करता है। तो थायराइड डिसऑर्डर यदि है तो उस पर सीधा सीधा असर आता है। मैंने एक डाइजेस्ट का सेशन बनाया था, आपसे बात करी थी, डाइजेस्ट का रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब में होगा, जब आप डाइजेस्ट को देखेंगे तो उसमें ये प्रक्रिया मैंने पूरी डिटेल में समझाई थी कि किस तरीके से यदि अनडाइजेस्टेड फूड, यदि थोड़ा एसिड कम हो गया आपका डाइजेसिव एसिड, डाइजेसिव एंजाइम, अनडाइजेस्टेड फूड यदि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर गया तो वो किस तरीके से जाके हैवॉक पैदा करना शुरू करता है और आपके पूरे के पूरे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल बैलेंस है, उसमें छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, और जब वो छेड़छाड़ करता है तो आपके थायराइड बैलेंस में तकलीफ आती है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं स्लिम एंड डिटॉक्स की, वो पूरा का पूरा हर्ब फॉर्मुलेशन में बना हुआ है। उसका जो बेस है वो फाइनेस्ट फाइबर से बना हुआ है और वो फाइबर है आंवला का रेशा। आई शुड नॉट रिवील दिस इन हियर इन लाइव, बट वो आंवले के रेशे से बना हुआ है। आंवला का जो रेशा होता है, आंवला का एक आपने च्यवनप्राश लिया होगा, कोई और चीज लिया होगा, घर में आंवला को बॉयल कर लीजिए और उसको मसल दीजिए, अंत में खूब आपको रेशा मिलेगा उसमें। ये रेशे का पाउडर उसका बेस है और उसके बाद उसमें 32 हर्ब्स लगे हुए हैं। तो वो इस तरीके की चीज है जो आपके कोलोन क्लिंजिंग को, आंत की बात को, बड़ी आंत के क्लिंजिंग को बेहतर करता है। जब वो वहां पे वैसा काम करता है तो ये जो आपका एंडोक्राइन फंक्शन में छेड़छाड़ हो रही है उसको बेहतर करता है, रिस्टोर करने का भी काम करता है, तो आपको इसमें फर्क मिलता है। एक ट्रायल कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मोहनप्रीत जी कि हम कोई मेडिसिन में नहीं है तो हम कोई क्लेम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट है, आप ये करके देख रहे हैं। यदि कोई सप्लीमेंट इसको यूज करता है, मेरे पास 100 से ज्यादा टेस्टिमोनीज हैं जिन लोगों ने स्लिम एंड डिटॉक्स को इस्तेमाल किया और उनकी थायराइड वाली
सिस्टम ठीक हुई। यदि थायराइड के ऑप्शन की बात करें तो दवाई नहीं होती, यदि आप दवाई लेते हैं तो आप T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीन की बातें कर रहे हैं, आपने जो शुरू किया एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा छेड़ते रहता है, तो आपको जो है नेचुरल होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ये एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे बट सप्लीमेंट है जो बहुत अच्छा काम करता है। जो दवाई साथ में ले रहे हैं वो ले सकते हैं साथ में सर? दवाई तो डॉक्टर ने बताया है आपको लेना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, जब आप एक बार डॉक्टर के पास गए हैं तो। बट यदि आपको बहुत सारा एबनॉर्मलिटी नहीं है और यदि आप इससे चेक करना चाहते हैं 60 डेज आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फर्क दिखाई पड़ेगा। और सेकंड सर, टमी के ऊपर जो समृद्धि आ गई जो आप बोलते हैं उसको, उसके लिए भी स्लिमेंट डिटॉक्स है सर? परफेक्ट है। 2-2.5 kg आप हर महीने कम कर सकते हैं, बट आपका वेट मैनेजमेंट किट है उसमें दुनिया भर की चीजें हैं और एक साथ बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट वाला जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी बताए थे, तो उसमें भी जो टेक्निक्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो कॉम्बो आपने बनाया वेट मैनेजमेंट का वो ले सकते हैं सारे कॉम्बो, जिसमें कैसा है कि बहुत सारी चीजें होंगी कि आपका कहीं पे एपेटाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं पे आपका कोलोन क्लींस करना पड़ेगा, कहीं पे आपके भूख को रेगुलेट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको तृप्ति का एहसास देना पड़ेगा, सटाइटी का, कि हमने थोड़ा खाया हम सटाइटी हैं, तृप्त हो रहे हैं। एक जगह पे ऐसा होना पड़ेगा कि आपके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा रखनी पड़ेगी, तो ग्रीन कॉफी जैसी चीजें होंगी जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएंगी और उस तरीके से चीजें करेंगी। तो एक बैलेंस वाली बात है यदि वैसा है तो। बट अकेला यदि आप बात करें और स्लिम एंड डिटॉक्स की बात करें तो 2-2.5 kg पर मंथ आप अश्योर्ड लेके चल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप रूटीन फॉलो करें। रूटीन का मतलब क्या है कि आप जो है खाने का टाइम मेंटेन रखें, इसको लेने का टाइम मेंटेन रखें, अपने हेल्दी डाइट पे हिसाब रखें, सोने का टाइम मेंटेन रखें, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ना नहीं चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, डिनर सोने के 2 घंटे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सब चीजों को आप ध्यान रखें। खाने के पहले और खाने के तुरंत बाद 20-20 मिनट या आधे घंटे का अंतराल रखें, पानी ना पिए, ये सब चीजों का यदि आप ख्याल रखें तो आप बहुत बढ़िया से इसको 2-2 किलो 2.5 किलो मेंटेन कर सकते हैं। और वेट लॉस की यदि बात करें तो 2 से 2.5 किलो से ज्यादा का टारगेट नहीं होना चाहिए, यदि है तो वो अनहेल्दी टारगेट है। किसी का वेट लॉस का टारगेट 10 किलो से ज्यादा का नहीं होता है नॉर्मली, आप देखिएगा तो 10 किलो का है तो इसको 6 महीने में बांट देना चाहिए, 5 महीने में बांट देना चाहिए, कहिए कि 4 से 6 महीने में मेरा ये वेट कम होएगा, और 4 से 6 महीने में आप आराम से 2-2 किलो 2.5 किलो कम कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास फुल प्रोडक्ट रेंज मौजूद है। नहीं, मेरे पास है प्रोटीन के और डायबाई लाइफ के एंड न्यूट्रीमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं विद माय फैमिली एंड विद माय फ्रेंड्स। ग्रेट। और सेकंड थिंग सर, एक ना 8 साल की बच्ची है जिसको ना व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे एक जो फ्लेवरी बोलते हैं हम हमारी पंजाबी भाषा में, स्किन पे। हाँ जी, हाँ जी, स्किन पे। ओके, तो कोई ऐसा सप्लीमेंट्स है जो दे सकते हैं कि या उसको कर कुछ से उसको हेल्प हो सके? व्हाइट स्पॉट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे तो उनके पास रीजन समझ में आएगा। व्हाइट स्पॉट के बहुत सारे रीजन है, यदि वो रीजन का कोई रीजन आपके इससे है, क्या बोलते हैं, क्लिंजिंग से या आपके बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से, तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो उस पर बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे व्हाइट स्किन के जो सफेद दाग नाम की प्रॉपर चीज होती है उस पर ही काम कर जाता है, लेकिन फाइनली ये एक डिजीज है, वो किस वजह से हो रहा है, उसका क्या ट्रिगर है और उसका रूट कॉज क्या है, ये एनालिसिस करके वो डॉक्टर एनालाइज करते हैं, बिकॉज वो क्वालिफाइड है, वो उसको चेक करते हैं, उसमें सेंसेशन कितना है, वो क्यों वाइट हो रहा है, और उसके हिसाब से उसका वो इलाज करते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो गई, आप अपने लेवल पे तो चीजें कर ही सकते हैं। नोनी ले सकते हैं ना, आपने बताया नहीं दे सकते हैं, नोनी बहुत बेहतरीन रिजल्ट करता है। और दूसरा ट्राई यदि करना है तो आप न्यूट्री म्यूनो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की, मिनरल्स की कमी हो जाती है, हर चीज एक बैलेंस में चलता है, इसकी वजह से वो चलता है, उसकी वजह से वो चलता है, डीएचए नहीं होगा तो कैल्शियम का काम नहीं हो पाएगा, यदि आपके पास फेरिटिन नाम का प्रोटीन नहीं होगा तो आपके पास आयरन का कमी हो जाएगी, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सब। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन, इसी को कहते हैं संतुलित आहार, गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज करते रहता है गर्भवती माता के लिए या दूध पिलाने वाली माता के लिए कि संतुलित आहार दिया जाए, क्यों, क्योंकि उस समय मामला बहुत क्रिटिकल होता है, बच्चा भ्रूण में पल रहा होता है, उसको भी संतुलित आहार की जरूरत होती है, यदि उस समय आहार संतुलित नहीं रहे तो बच्चे का मानसिक विकास शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज 70% मानसिक विकास गर्भ में हो जाता है, तो संतुलित आहार इतनी बड़ी चीज है। तो संतुलित आहार का लेना देना सब चीज पे आता है, आपके स्किन पे आता है, आपके नेल पे आता है, आपके हेयर पे आता है, आपके सब चीज पे आता है, तो वो एक कहीं कमी है तो हमें तो कुछ उसका नुकसान है नहीं, हमने यदि न्यूट्री इम्यूनो को जारी रखा है तो ये हुआ कि संतुलित आहार की तरफ से तो कोई चिंता नहीं है, मतलब इतना तो है कि एक सामान करने से वो चीज एड्रेस हो गई,
अब उसके बाद डॉक्टर हैं वो बताएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन सर, एक आदमी इतना लगातार क्वेश्चन मत पूछे प्लीज, बहुत सारे लोग लाइन में दो क्वेश्चन था सर। एक तो मेरा एक्चुअली अंकल है वो साइकिल से गिर गए थे, बस जा रही थी तो उनके नस में ये हो गया पेन, मतलब बहुत सारे तीन चार में सर मेडिसिन चल रहा है सर लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। जब तक तो मेडिसिन खा रहे तब तक ठीक है, फिर छोड़ देते तो पेन होना चालू हो जाता है। दूसरा एक सेकंड है वो भी एक रिलेटिव है जिनके गिर गए थे, उनके कमर के हड्डी में स्क्रैच हो गया सर, जैसे कि वो बोल रहे हैं डॉक्टर बोल रहा है कि हड्डी बढ़ने को जैसे नस दब दब गई है तो इसके लिए वो पेन हो रहा है सर। तो जब तक वो दवा ले रहे या तो मतलब खड़ा भी होते तो हिलते रहते हैं, मतलब वो सही बैलेंस नहीं बन पा रहा सर उनका, तो ये दो चीजों पे मुझे पूछना था सर। इन दोनों केसेस में कैसा है कि डॉक्टर ही बताएंगे क्योंकि यहाँ पे चोट लगने वाली बात है, नर्व दबने वाली बात है, डैमेज होने वाली बात है। लेकिन आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, यदि आप सप्लीमेंट की बात मेरे से पूछना चाहें तो आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है लोनी और एक है आपके पास टेराबेरीज, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है। डॉक्टर की जो भी दवाई चल रही है उसके साथ ये बेहतरीन रिजल्ट देके आप बता रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट आने की बात होगी। दूसरी चीज, डॉक्टर आपको क्या दे रहे हैं, तो डॉक्टर पेन किलर दे रहे हैं शायद, आप चेक करें कि वो क्या है। यदि पेन किलर है और लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो इलाज नहीं है, आपको दूसरा इलाज निकालना पड़ेगा और वो इलाज नेचुरली करना पड़ेगा। और नेचुरली आपके पास नोनी है, आपके पास एंटी ऑक्सीडेंट है, नोनी एक्चुअली इज एंटी ऑक्सीडेंट बट आपके पास एक सुपर एंटी ऑक्सीडेंट भी है टेराबेरी के नाम से। तो आप इसमें से कोई भी चीज को 60 दिन इस्तेमाल करने को बोले और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी को पेन है, किसी को तकलीफ है, पेन है, किसी भी चीज का पेन है, ये नस दब गई, चोट लग गया, साइटिका आर्थराइटिस है, किसी तरीके का पेन है, आप यदि इस दोनों में से कोई सामान देते हैं नोनी या टेराबेरी, रिजल्ट आना ही आना है। रीना गुप्ता मैम, यू कैन आस्क। हेलो सर, सर हेलो, यस जी सर, एक मिनट का समय लूंगा। और दूसरी चीज, मैंने मम्मी को अस्थमा है, मम्मी को तो मैंने न्यूट्रामिनो और स्पिरुलिना और ब्लैक सीड और ओमेगा 3 सर और डायलिसिस का जो है ना वो ये सब मतलब कॉम्बो पैक में दे रहा हूँ, तो मम्मी को बहुत ज्यादा रिजल्ट बहुत काफी बेहतर होगा। बीजी यूज कर रही माँ और काफी बेहतर हो गया, पहले से वो चलने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रहा था लेकिन बहुत आराम है सर। क्या बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया जी, बहुत अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। थैंक यू, थैंक यू सर। रीना गुप्ता मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर आज भी बहुत अच्छा बताएं, और मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम एक डॉक्टर के चैम्बर में बैठे हैं और वो सारा कुछ हम लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं, एक हंसते मुस्कुराते की तरह। बहुत थैंक यू सो मच सर। और मेरा एक सवाल है सर, एक 13 साल का बच्चा है, दिसंबर 2020 से उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सोए सोए में बाथरूम हो जा रहा है बेड पे ही। ओके और वो उसके घुटने की जो हड्डी है वो सूजन भी है और एकदम दोनों मतलब एक जगह उसको सटा हुआ बोलेंगे उस टाइप से हो जा रहा है, मतलब दोनों घुटने टच हो जाते हैं। हाँ, और वो उसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है, दर्द भी रहता है। तो आई नो हमारे पास जो सप्लीमेंट है, मुझे आपसे एक सजेशन लेना है कि सप्लीमेंट तो हम उन्हें देंगे ही क्योंकि कुछ ना कुछ तो पोषक की कमी भी होगी। मुझे ये सजेशन दीजिए सर कि उन्हें ऑर्थोराइस्ट से दिखाना चाहिए या न्यूरोसर्जन से, क्योंकि हो सकता है नस का प्रॉब्लम हो। पहले ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ये हमारे पास भी होता है, आपके पास भी होता है, थोड़ा बहुत डेफिएशन सब में होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया बच्चे में। कैसा है कि किसी को आप कहें कि भाई दोनों पैर को ऐसा सटा के खड़ा हो जाए स्ट्रेट और आप हाथ बीच में डालें और घुटने को क्रॉस करा के देखें, यदि ये टच होता है तो ये डिफॉर्मिटी है, बट डिफॉर्मिटी हर आदमी के पास थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मुझे पर्सनली डिफॉर्मिटी है बट मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हमारे जैसे आप 10 आदमी को खड़ा करेंगे तो 5 आदमी को डिफॉर्मिटी मिलेगी, मतलब वो स्ट्रेट खड़ा हो जाए दोनों एड़ी को सटा के और उसमें बीच में आप हाथ घुमाएं तो आपको जो है घुटना दोनों टच होता हुआ मिलेगा, किसी का क्लियर मिलेगा, मतलब हाथ हथेली जाने की जगह रहेगी, हथेली जाने की जगह रही वो परफेक्ट है, जिसका टच हुआ उसका डिफॉर्मिटी है। पर डिफॉर्मिटी आदमी के पास होता है, हर आदमी का दोनों पैर का साइज कभी बराबर नहीं होता, हर आदमी का थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है,
डिफॉर्मिटी इज नॉर्मल बिकॉज भगवान ने कोई एक फ्रेम में बना के नहीं डाउनलोड किया है, ये चीज नॉर्मल है। बट यही वो डिफॉर्मिटी यदि आपको दिक्कत करे, यदि ये मुझे चलने में दिक्कत करने लगता, हमें खड़ा होने में पता चलने लगता, तो ये डिफॉर्मिटी होती। अब आते हैं उस बच्चे की बात पे। तो बच्चे की दो चीजें आपने बताई, एक बताया कि बच्चे का वो जो टच हो रहा है, तो उसके लिए आप सीधा एक बढ़िया ऑर्थोपेडिक को मिले, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताएंगे सारा इन्वेस्टिगेशन से कि इसमें न्यूरो की मदद लेने की जरूरत है क्या। न्यूरो ऑर्थोपेडिक तक नहीं भेजेंगे, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑर्थोपेडिक देन न्यूरो। दूसरी बात, बच्चे के लिए यदि आपने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला कहना है कि इसके साथ न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब कुछ भी आपको तीसरा सामान ही नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूट्रीम्यूनो की बात करनी है। यदि आप बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हैं तो स्पिरुलिना या मोरिंगा की बात कर सकते हैं। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में मोरिंगा दिया जाता है इसी तरीके की मैल न्यूट्रिशन को ये करने के लिए। अब ये न्यूट्रिशन क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होने से, ये होने से, वो होने से, ये तरह की चीजों में सक्षमता नहीं आ पाती, तो आप उसको पहले वो करें। और एकदम कोई ज्यादा चीज नहीं करना है, दो बार यदि दिन में बच्चा ले लेता है तो सफिशियंट है, उसके बाद जरूरत नहीं है। और अभी एज है बढ़िया सा, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे ऑर्थोपेडिक को, उनके पास भर भर के सॉल्यूशन होते हैं और ये चीज बहुत अच्छे से क्यूरेबल है। फिजियोथेरेपिस्ट को वो रिकमेंड करेंगे और ढंग का फिजियोथेरेपिस्ट मिला तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। ओके सर, एक और आज ही मेरी एक बात हुई थी बिहार सिवान से, गलती से उनका कॉल मेरे पास आ गया था जी। तो उस दौरान थोड़ी से बात होने के दौरान मैं अपने, चूंकि मेरी आदत है थोड़ी सी अपने प्लान के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हूँ। तो उसमें वो बताएं कि उनके घर में मतलब तीन भाई में एक बेटी है, एक ही लड़की है और सारे लड़के हैं। बस उस लड़की 11 साल की है और उसका वेट भी मात्र 13 केजी ही है। Okay. बोले खाना नहीं खाना चाहती है और खेलना वगैरह भी नहीं चाहती है। Only 13. हाँ। Okay. तो हम बोले ये तो बहुत कम एज है, मतलब एज के अनुसार तो बहुत कम वे, आप, मतलब हाइट पूछे तो बोले हाइट शायद गांव के थे तो नहीं बता पाए, वजन बता दिए थे वो। आप उनको जरा 3 पीस न्यूट्री म्यूनो गिफ्ट करके देखिए। हाँ मैं उनको यही बोली, नहीं 3 पीस, मैं 3 पीस क्यों बोल रहा हूँ कि 90 डेज उसको न्यूट्री म्यूनो चलने दीजिए और आप एक रिजल्ट देखिए। अभी वजन ले लीजिए और उस समय फिर वजन लीजिए। इससे एक और फायदा होगा कि उसकी भूख लगने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी खाने की रुचि बढ़ेगी, बहुत सारी चीज आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना कम वजन आपने बताया ये सिवान वाले केस में, आप जो है किसी एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए कि देर इज सम रीजन दैट दिस फूड जो वो खा रही है वो शरीर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अवशोषित नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन है, कोई अंदर बड़ी बीमारी छुपी हुई है, किसी तरीके का डिसेबिलिटी आ रहा है, क्या रीजन है वो पता करना बहुत जरूरी है। और ये हम और आप पता नहीं कर सकते, ये मेडिकल एग्जामिनेशन करके पता करना पड़ेगा और वो डॉक्टर। ओके सर, यस। एक और सवाल सर, अगर किसी को पाइल्स प्रॉब्लम है, हेलो, हाँ, एक किसी को पाइल्स प्रॉब्लम है काफी ज्यादा है जी, तो मतलब जो सप्लीमेंट हम लोगों का स्लिमेन डिटॉक्स, उसके साथ कुछ और भी देना होगा या नहीं? स्लिमेन डिटॉक्स अकेला काफी है, अकेला काफी है। उसके साथ उनको केवल खाने में कोई तीखा चीज, ज्यादा स्पाइसी चीज नहीं लेना है और बहुत देर तक बैठना नहीं है, इस तरह की चीज करनी है शुरुआत में। किसी भी पाइल्स वाले को, आप किसी को जानते हो दूर दूर तक, किसी को बड़ा पाइल्स हो, छोटा पाइल्स हो, ऑपरेशन वाला पाइल्स हो, आप जो है यदि स्लिम एंड डिटॉक्स देते हैं गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए सर कि वो पुलिस लाइन में है तो मतलब उन लोगों को तो बैठना प्रॉब्लम है, हर आदमी को ही बैठना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा ही, बिना बैठे तो किसी का नहीं होगा। पुलिस लाइन में ना हो तो आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, हर आदमी को बैठना पड़ेगा। बट मेरा ये कहना है कि यदि पीक पोजीशन में है तो वो उससे और एग्रीवेट हो जाता है। मेरा एक घाव है और मैं उसको बार बार छेड़ दूं तो और एग्रीवेट होगा, वो मैं कह रहा हूं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। यस प्लीज। राजकुमार खरवाट सर, स्वागत है आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
और थैंक्स मुझे बोलने का मौका दिया। सर एक मिसेज का वेट है 76 kg और हाइट सर 5'3" के करीब है। तो वैसे उनको ना सर जैसे जांघ के ऊपर से लेके और नीचे जैसे घुटने से नीचे तक ऊपर की हड्डियां ना वहाँ कई बार पेन होने लग जाता सर। तो हो गई ना। हाँ मैंने क्या ज्यादा है BMI आपका 30 से ज्यादा मुझे लग रहा है 29, 30, 31 जो भी BMI आपने चेक किया है कितना है? नहीं सर मैंने किया नहीं, मैंने इसलिए आपको बताया सर। 5 BMI ज्यादा है इनका। पहले BMI को आप 25 के नीचे लाने का टारगेट लीजिए। कैसा है कि एक मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, आपकी कार है, और आपकी कार में मैं मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सामान रख दूं, 1 क्विंटल और सामान डिक्की में रख दूं। जी सर। तो कार का जो शॉक एब्जॉर्बर होगा उसको तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, शॉकर खराब होएगा। वैसे ही हमारे घुटने, हमारे एंकल, हमारा टो, हमारा एड़ी, ये सब हमारे कनेक्ट पॉइंट्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ये छोटे छोटे एंकल पे टिके हुए हैं। अब यदि हम इस पे लोड ज्यादा कर देंगे जी सर, तो क्या होगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा। और उसमें कुछ वेयर टेयर ऐसे हैं कि कार्टिलेज है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो सब यदि घिस गए, वहां पे लिक्विड है वो सूख गया जी सर, तो फिर वो हल्की पेन से मामला शुरू होगी, 2-5 साल में वो ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा और फिर बढ़ेगा। हाँ सर, कई बार स्टेयर चढ़ते हैं ना तो उसके में थोड़ा उनको आ जाती है। आप इस तरह का एक्सर्शन लेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, उस तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू होगा। शुरुआत में ऐसा ही लगेगा, कभी ज्यादा चल दिया तो हो जाएगा, कभी सीढ़ी पे हो जाएगा, लेकिन बाद में ये परमानेंट प्रकार बन जाएगा। तो दर्द को ठीक करना, एक मिनट में बता लूं, दर्द को ठीक करने के लिए पेन किलर लिया जाएगा, ये दवाई किया जाएगा, वो दवाई किया जाएगा, वो सब लक्षण का इलाज है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, कारण का इलाज नहीं है। कारण क्या है कि हमें हमारा वजन, कोई भी आदमी जब तक जिंदा रहे, BMI 25 के नीचे रखना पड़ेगा, 25 के नीचे BMI रखना पड़ेगा, 25 एंड बिलो रखने के लिए उनका वजन हमारे हिसाब से जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, आप गूगल में कर लीजिए, कैसे करना पड़ेगा सर, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनका वजन 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर वैसे मैंने ना टेराबेरी शुरू कर रखा उनको, और न्यूट्रीफेम चल रहा है और एक क्योर क्यूमाइन ड्रॉप चल रही है सर। हाँ बट मेरे हिसाब से उनके लिए जो राइट प्रोडक्ट था वो है सुपर, क्या बोलते हैं उसको, स्लिम एंड डिटॉक्स। अच्छा, वो साथ में दे दें सर। उनके लिए राइट प्रोडक्ट स्लिम एंड डिटॉक्स है, और यदि आप और ज्यादा पसंद करें तो आप जो है एक मील रिप्लेसमेंट शेक नाम की चीज है, उससे उनका एक खाना रिप्लेस कर दें, कम से कम एक महीने के लिए करके। नेचुरली सर क्या है कि रात के टाइम एक ही फुल्का ज्यादातर लेते हैं, या 2.5 से 2 से ऊपर नहीं लेते शाम को भी, मतलब अब फिर वही करिए, फुल्का एक हो या एक हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिंपल लाइची दाना का प्रसाद लेके आप खाएं, बॉडी के लिए वो खाना है, प्लीज अंडरस्टैंड, बॉडी ने अपना पूरा सिस्टम शुरू किया, एक मील को आप रिप्लेस कर दें, मील ही ना लें, ठीक है सर, उस जगह पे सप्लीमेंट कर लें। तो ऐसा कुछ मतलब 2-3 चीज ट्राई कर सकते हैं, बट आप स्लिम एंड डिटॉक्स को यदि ट्राई करें, मेरे हिसाब से 2 किलो पर मंथ आपको आराम से मिलेगा, एंड आपका टोटल टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 10 किलो का ही दिख रहा है। 6 months, 5 months is the total time. सर तेरा बेरी शुरू रखें या वो कोई जरूरत नहीं उसमें सर? वो तो एडिशनल चीज हो गया ना, वो तो आप हमेशा ले सकते हैं, तेरा बेरी बिल्कुल ले सकते हैं। और सर एक और है, जैसे ओमेगा 3 में सर वो डॉट प्लस का निशान जो वो देते हैं ना, निशान आता है रेड का सर, तो उसका मेरे को पूछा था किसी ने सर, तो जैसे वैसे आपने बताया भी था उसका कोटिंग है, तो उसमें वो नॉनवेज वाला कुछ तो नहीं है सर? नहीं, पहले समझ लीजिए, आपके पास 3 प्रोडक्ट है लाल निशान वाले, एक है ओमेगा 3, एक है गार्लाइट और एक है ब्लैक सीड ऑयल का कैप्सूल। ये तीनों जो है सॉफ्ट जेल में बने हुए हैं, और सॉफ्ट जेल में जब बनते हैं तो FDA नॉर्म कहता है कि वहां पर रेड डॉट डालना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नॉनवेज है। 100% प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं तीनों के तीनों, और प्योर ही है, उस लाल से प्योर नॉनवेज का संबंध नहीं। यस। और ये सर देना स्लिम डिटॉक्स और जैसे मील रिप्लेसमेंट है, तो कम से कम 3-90 दिन दोनों आपको मैं बताया कि रैपिड रिजल्ट के लिए, एक्स्ट्रा के लिए कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन स्लिम एंड डिटॉक्स जरूर आप दीजिए। और स्लिम एंड डिटॉक्स में आपको 2 महीने का टारगेट पहले लेके चलिए, 2 डब्बा लीजिए, और आपको 2 महीना बता देगा कि और 3 महीना लेने की जरूरत है, और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको 2-2 किलो पर मंथ मिल जाएगा। तो मील पर रिप्लेसमेंट तो सर एक टाइम जो भी अवॉइड करना उस टाइम ही लेना सर, उसके लिए आप ब्रेकफास्ट अवॉइड कर सकते हैं या रात का डिनर अवॉइड कर सकते हैं, लंच अवॉइड नहीं करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। उसकी डोज कितनी लेनी है सर? अपने अंदाज से सेट करना है, आपको 2 चम्मच लेना चाहिए, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग को 1-1.5 चम्मच में हो जाता है, कुछ लोग को 3 लेना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी का आहार अलग अलग होता है। पानी या दूध में सर? दूध बेहतर रहेगा। ओके, यदि दूध से एलर्जी है तो पानी में लीजिए। एडजस्ट कैसे करना है कि आपने 2 चम्मच लिया और आपको मैंने 5 घंटे तक भूख नहीं लगी, एकदम बढ़िया है, लेकिन जल्दी भूख लग गई तो आप थोड़ा आधा चम्मच और बढ़ा लीजिए।
तो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। यस छगनलाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते। अच्छा सर जी, आवाज आ रही मेरी? यस प्लीज बोलिए। सर जी, एक तो ये कह रहा था कि मैंने नोनी और स्लिम डॉक्स स्लिम डिटॉक्स लिया, मेरे फाइल्स की प्रॉब्लम थी जी। तो 2 महीने के महीने हुए हैं, और सही बताऊं तो मैं भूल भी गया था, मेरे फाइल्स की प्रॉब्लम इतना जबरदस्त, अभी मैडम ने पूछा तो मेरे को मतलब याद आया, बहुत जबरदस्त है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि मैंने ग्रीन टी और वो फैमिली कॉम्बो के प्रोडक्ट 29/5 को मतलब ऑर्डर किया था जी, और 7 दिन बाद में मेरे पास कॉल आया मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर की 8 बजे कि आपके प्रोडक्ट आए हुए। तो मैंने कहा अभी वहाँ पर तो मैं रात में पहुँच नहीं पाऊंगा, मॉर्निंग में आप जहाँ कहो वहाँ जाऊँगा। मेरे गांव में पहुँचा के गए मेन रोड पर, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर, ये इसके अंदर लॉकडाउन के अंदर भी 2 बार मैंने ये दूर लिए नोनी और ये स्लिम डिटॉक्स, और 2 बार ही पहुँचा कर गए। तो उसके बाद में थोड़ी देर मैसेज आया आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और अब 21 दिन हो गए वापस अभी तक आया नहीं। तो इसके लिए सर मैं, मेरा सुझाव था कि कोरियर वाले को कहे कि आप उसकी बात पूरी सुने भी नहीं और इस प्रकार से वापस लौटा देते हैं। बताता हूं कैसा होता है, कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो हम लोग इस चीज को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, कैसा होता है कि यदि हम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल वेयर हाउस है मुंबई में, वहां पे 20 से 25 प्रोडक्ट हर दिन रिटर्न आ रहे हैं, हर दिन, ये एवरेज है। तो सर उसके ऊपर पेनल्टी रखो कि यार इस प्रकार से कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कि आदमी के और कंपनी के वर्किंग में बहुत फर्क आ गया है ये कोविड के टाइम में। वो जो है अपना पैसा बनाना चाहते हैं, ये जब कुरियर लेके जाते हैं, और कुरियर अच्छी अच्छी कुरियर है, मैं बात कर रहा हूँ फेडेक्स की, मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी की, ईकॉम एक्सप्रेस की, मैं ब्लू डार्ट की, ऐसी कुरियर्स की बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। इनका काम ऐसा है कि ये प्रोडक्ट यदि ले गए, ले जाने के लिए यदि 250 रुपये लिया था, तो यदि जब वापस लाएंगे तो इनको 2.6x मिलता है, चार्ज लगाते हैं, मतलब 260 रुपये में वापस लाएंगे। तो उनको मतलब कोई पेनल्टी रखनी है, उनको बहाना मिलना थी। मैंने कहा कोडिंग रहा था, यदि वापस ला दिया तो उसका तो एक और ऑर्डर बन गया, दुगुना ढाई गुना पैसा मिल गया, और वो सबको परेशान कर लिया। तो क्या करते हैं कि ये कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं, कुछ करते हैं, बाद में वो सहूलियत से अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस हो रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम बहुत तेजी से कुरियर्स को भी चेंज करते रहते हैं, बट ऐसे केसेस हो रहे हैं। कस्टमर केयर पे मॉर्निंग बात किया तो हम बात करते हैं, आपका वापस रिटर्न करते हैं वहीं से, लेकिन अभी तक मिला नहीं, 21 दिन हो गया। तो मेरे क्या ग्रीन टी किसी और नए साथी ने मंगवाई थी और मैंने भी ऑर्डर किया था, तो उसका क्या है कि थोड़ा विश्वास डिगमा जाता है। बाकी इसका रिजल्ट सर जी बहुत जबरदस्त है, और मेरा बच्चा है मतलब 16 महीने का है, वो कोई दूसरा जूस वगैरह कुछ नहीं ले रहा था, लेकिन नोनी का जूस इनको पसंद है, और अभी मैंने वो न्यूट्री मेनू भी किया है। तो मेरे स्लिम डिटॉक्स का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त सर, और मेरे थोड़ी कमर दर्द थी तो नोनी साथ में लिया, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, और इसके लिए सर थोड़ा वो रिजल्ट बताया, रिजल्ट सबके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आपके दूर दूर तक पहचान में किसी को पाइल्स हो, किसी को किसी तरीके का तकलीफ हो, आपके पास सोचिए कितना बड़ा चीज है। इसी को मैं वाई बता रहा था, ये जो अभी शुरुआत में कहा था, यही वाई है। यदि आप इस वाई को क्लियर समझ गए हैं तो आप सबको ये चीज, और इनको देखिए अभी इनको कितनी खुशी हो रही है। मेरे तो बहुत प्रॉब्लम थी, ऑफिस में जाता था कुर्सी पर बैठ नहीं पाता था, और मैं भूल गया अभी मेरे पास की कोई प्रॉब्लम थी। क्या बात, इतना जबरदस्त रिजल्ट सर, थैंक यू बहुत बहुत आप तो, कि ऐसा जबरदस्त आपने ये प्रोडक्ट है इसको लॉन्च किया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस सर। ओके, थैंक यू। या ये रंजन कुमार जी पूछ रहे हैं, टेरा बेरी खाके हैवी वर्क करने के लिए जितना बढ़िया, ज्यादा हैवी वर्क करेंगे, जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा डिटॉक्सिफाई होंगे, और अच्छा है, हैवी वर्क हमेशा करिए, क्या बोलते हैं उसको, जो जो हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज है वो और ज्यादा कीजिए, जब आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो पानी और ज्यादा पीजिए, डिटॉक्स और ज्यादा होंगे, और पसीना निकलेगा, और स्वेटिंग होगा, और यूरिन में फ्लश होएगा, बिकॉज आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है वो 3 काम कर रहा है, आपको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, और आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। यस प्लीज सवाल पूछें। यस प्लीज सवाल पूछें। यस प्लीज। यस प्लीज। अच्छा। हो रहा है। हो रहा है। इनका म्यूट है, और कोई नेक्स्ट?
महादेव जी का म्यूट है, दूसरे को किसी को पूछने का मौका दें। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी पूछें, सवाल पूछें आपका। हाँ, मेरे बेटे का वेट सर 49 है, हाइट 167 सेंटीमीटर है। ओके, और एज 21 है। तो क्या रीजन है, पहले से ही कम है, वजन पहले से ही कम है? नहीं, यही है, पहले से ही कम है, ऐसा ही है। ओके ओके, उसको क्या देना पड़ेगा? आप न्यूट्रीमेनो देखिए, न्यूट्रीमेनो देखिए, नहीं वो खाता, हाँ ऐसा वो जो उसका डाइट है जो बैलेंस नहीं है सर। ओके ओके, उसको क्या देना पड़ेगा? आप दो चीज ट्राई करिए, दो चीज ट्राई करिए, आप न्यूट्रीम्यूनो आइटम लीजिए। दो प्रोटीन है आपके पास, कोई भी प्रोटीन और न्यूट्रीम्यूनो, एक टाइम न्यूट्रीम्यूनो एक टाइम प्रोटीन का बात करिए और उसको अच्छे से खाने दीजिए, तो न्यूट्रीम्यूनो से उसकी भूख और ज्यादा बढ़ेगी और ही विल ईट बेटर। और प्रोटीन सप्लीमेंट दीजिए, तो साथ में करके देखिए आपको कैसा रिजल्ट आता है। वजन पहले चेक कर लीजिए स्टार्ट करने के पहले, और आप 30 दिन 45 दिन में 6 वीक में फिर से वजन चेक कीजिए, और आपको फर्क दिखाई पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, आई थिंक वी आर डन विद द टाइम। और कोई सवाल है तो बताएं। सर गुड इवनिंग, माफी चाहूंगा। जी सर, सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या दे सकते हैं सर? किसके लिए हाई ब्लड प्रेशर? सर ज्यादा कंटिन्यू नहीं, कभी कभी जैसे महसूस होता है मेरे खुद के सर, जैसे कई बार होता है। हाँ। तो 140 के करीब, कोई इतना ज्यादा भी नहीं है। हाँ। तो उसके लिए क्या ले सकते हैं सर? वैसे मेरे कोई मेडिसिन वगैरह कोई नहीं ले रहा वैसे। उस दिन हमने गार्लाइट का चर्चा किया था, और गार्लाइट नाम का एक जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है जी सर, जो एलिसिन का कंसंट्रेट है, कोई भी आप देखेंगे ब्लड प्रेशर के लिए हमेशा से लहसुन खाते आए हैं, एक वो बात हुई। दूसरी, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कलरोफिल, उसमें भी हमने डिटेल में चर्चा किया था कि किस तरीके से वो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को ठीक करता है। बाकी ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उस डिजीज को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा आप यदि अपने सांस को ज्यादा खींच छोड़ सकते हैं तो क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं, और आप जो है उसको बात कर रहे हैं। तीसरा जो चीज है, आपका लाइफस्टाइल में जो डाइट है वो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल पॉइंट है, जिसमें कितना नमक आप ले रहे हैं। 5 ग्राम आपका टोटल कोटा है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो 5 ग्राम टच नहीं होना चाहिए। अब 5 ग्राम में यदि एक पापड़ खा लिया, डेढ़ पापड़ खा लिया, हो गया, एक बढ़िया पापड़ खा लिया 7 ग्राम हो गया। यदि आपने नमकीन फरसान खा लिया 5-7 ग्राम हो गया, अचार पिकल घर में कहीं है तो हो गया, तो आप सब्जी में जितना डालते हैं उतना ही काफी हो गया। तो आप जो है नमक पे ध्यान दें, किसी को ब्लड प्रेशर है पहले वो नमक पे ध्यान दें। तो ऐसे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, तला हुआ चीज छोड़ दिया, ट्रांसफैट छोड़ दिया, अपने आप आपका बेहतर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है कि एक आपने कंबल उड़ा हुआ है, आप यदि डिसाइड कर लें कि कंबल उठा के फेंक देना है तो आप फेंक देंगे और आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और गार्लिक कैप्सूल सर दो टाइम या सिंगल टाइम लेना था? वो 2 कैप्सूल का डोज है। ओके सर, दोनों एक साथ ले सकते हैं, या ट्वाइस अ डे सिंगल कैप्सूल, या 2 कैप्सूल वंस अ डे ऐसा है। और क्लोरोफिल ड्रॉप सर वो 3-4 बार? वो तो पानी में लेने वाली चीज है, उसका कोई डोज ही नहीं है। इवन गार्लिक वाला का भी कोई डोज नहीं है, सप्लीमेंट है, जब आपको चाहिए आप ले लिया, बट एवरेज बता दिया कि 2 लें। और ये तो पानी में ड्रॉप डालने वाली चीज है, जब पानी पिया आप, जब इच्छा हुई आपने ले लिया। ओके सर, ओके, यस, थैंक यू। आर वी डन कि कोई और सवाल है? यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पंकज लकर बोल रहा हूँ आसाम से। यस सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरा का पूरा प्रोडक्ट का सेशन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन आंसर का सेशन है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर, मैंने वार्मेट एक ऑर्डर किया था, मेरे पास में आ भी गया, ये बुधवार को आपने वार्मेट के ऊपर में सेशन रखा था जी। आपने उस दिन बोला था कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट, मतलब कि जो ये ऑन ऑफ हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जो मेरे पास में आया है इसमें ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता है सर। तो ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा उतने टाइम तक मुझे रुकना पड़ता है, फिर जब पूरा शरीर गर्म हो जाता है तो मैं खुद को ही ऑफ करना पड़ता है। तो उसको कैसे ऑपरेट करना है इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं सर्कुलेट करवाता हूं, आप तक पहुंचवाता हूं।
उसका ठीक है सर, थैंक यू सर। कैसे ऑपरेट करना है वो एक बार आप सीख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। यस सर नमस्कार। सर बोल रहा हूँ। यस सर। सर बहन की जो ना सास है ना, आपका आवाज नहीं आ रही है विजेंद्र जी, आपकी आवाज गई। वो मेरी बहन है ना, उसकी सास है ना। हाँ जी। तो उसके हाथ पैरों में बाइटे ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं? पैरों में बाइटे नहीं आ जाते हैं, जैसे हाथ पैरों में ऐसे बाइटे हो जाते हैं, बाइट ऐसा नहीं समझते आप? नहीं समझ रहा हूँ, बाइट नहीं समझ रहा हूँ सर। नस पे नस चढ़ जाती है ना जैसे सर, उसको बोलो। ओके 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 ओके, मतलब वो खिंचाव सा पड़ने लग जाता है ना सर। ओके ओके ओके, हाँ समझ गया। आवाज गई। हाँ सर, उसके लिए कोई प्रोडक्ट है हमारे पास? आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स के दो फॉर्मेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो रीजन है, वो रीजन अभी तक मेडिकल साइंस और डॉक्टर बहुत क्लियर नहीं है कि वो क्यों जो है एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। बट ये है कि उसका नर्व का ग्रोथ एबनॉर्मल होना शुरू होता है। बट आपके पास एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा यदि बढ़ाएं तो अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और आपके पास दो एंटीऑक्सीडेंट है, आप चुन सकते हैं कौन सा लेना है। आपके पास नूनी है और आपके पास टेराबेरीज है। और दूसरी एक चीज, यदि इसके एडिशनल आप लेना चाहते हैं तो कोई भी चीज जो कर्क्यूमिन से रिलेटेड है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन उस नर्व में कम होएगा तो ये जो नर्व्स पे नर्व थोड़ी है वो कम होता है। तो इसके लिए आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक कर्क्यूमिन कैप्सूल है और दूसरा क्योर क्यू माइन बोल के एक ड्रॉप है। ये सर। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, बताएं। सर मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये अनमोल ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। और सर मेरा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहले सर ये मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर कहीं अलग अलग जगह की भी दिख रही है? दूसरा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं और है और ये मार्केटिंग बाई कहीं और, मार्केटिंग मार्केटेड बाई कुछ और है? तो लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं आपके दो इंस्ट्रूमेंट आप जहाँ पे हैं वहाँ पे है एक इक्विपमेंट हटाए जी। अभी पूछे, अभी पूछे। जहाँ पे है वहाँ दो डिवाइस में आप लॉग इन है, एक डिवाइस को वहाँ से हटाइए, ऑफ कीजिए तो हो जाएगा। ओके ओके सर, मैं अब आ रही है सर आवाज? बिल्कुल आ रही है, बताएं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग। एंड मेरा एक दो क्वेश्चन है सर। एक तो ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग जगह से दिखाई दे रही है। दूसरा सर ये है कि अगर प्रोडक्ट हमारे हैं तो इनकी प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, मार्केटिंग कहीं से हो रही है, तो इसकी जो क्वालिटी है आउटस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है फ्यूचर में मेंटेन रहेगी, इसकी श्योरिटी कैसे हो सकती है सर? तो पहले आपके सवाल का जवाब देने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास ये मन में कई सवाल हो तो ये सवाल का जवाब आपके माध्यम से दे दें कि सबसे पहले ये समझिए कि जो मार्केटेड बाई है वो वेल्दी लाइफ, उस पर लिखा हुआ है वेल्दी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये मार्केटेड बाई है। ये जो कंपनी है वो आपकी कंपनी है, पहले क्लियर हो जाइए, ये आपकी कंपनी है। आप वॉलेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट मनी की बात करेंगे, आप जब वेलनेस की बात करेंगे तो वेल्दी लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कभी भी आप नेक्स्ट स्कैन कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, आपको जो कम्युनिकेशन आ रहा होगा वो कह रहा होगा कि वेलकम फ्रॉम वेल्दी लाइफ। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपका नेक्स्ट मनी मनी है, आपकी जितनी मनी की बात होगी वो नेक्स्ट मनी होगी और जितनी हेल्थ की बात होगी वो वेल्दी लाइफ है। ये क्लियर हो गया, मार्केटेड बाय क्लियर है। अब आइए मैन्युफैक्चरिंग की। आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है, थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था कि ये पेन का टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब ये कहां बनेगा, ये चीज
मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हमारी बेहतर होगी वहां पे हम बनाएंगे, रॉ मटेरियल हम देंगे, R&D हम करेंगे, रिसर्च हम करेंगे और वो वहां से हम बना के लेंगे। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाया, एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन पूना में, पूना वाला स्टड्स बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट का वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट एस्ट्राजेनेका का है, एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट वहां पे बनाता है। वो छोड़िए वैक्सीन पे नहीं जाते हैं, आप नॉर्मल प्रोडक्ट लीजिए, अपने घर में एक साबुन उठाइए, एक टूथपेस्ट उठाइए, कॉलगेट का, पेप्सोडेंट का, किसी का टूथपेस्ट उठाइए, एक पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर उठाइए और आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है, मार्केटेड बाय लिखा होगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बैक बाय रिक्लेमेशन, चर्च गेट, मुंबई, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय में कुछ लिखा होगा गोलचा टैल्कम पाउडर, कहीं पे मुंबई या भांडुप कहीं पे लिखा होगा, गोलचा टैल्कम पाउडर नाम की चीज है जो वो बनाता है। टूथपेस्ट कॉलगेट का उठाइए और देखिए मैन्युफैक्चर, मार्केटेड बाय कॉलगेट पामोलिव, मैन्युफैक्चर्ड बाय देखिए कुछ और लिखा होगा। एक फार्मा कंपनी उठा के प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट का टैबलेट पे लिखा होगा सिप्ला, मैन्युफैक्चर्ड बाय देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दूसरा गैलेंटिक फार्मा लिखा होगा, कोई चीज लिखा होगा। मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ओनिंग द फॉर्मूला इज अ डिफरेंट थिंग। आप जब अपने में मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, आपका बिजनेस क्या है उस पर फोकस कीजिए। यदि हमारा बिजनेस, मैं खुद फॉर्मुलेटर हूं और 20 साल से फॉर्मुलेटर हूं इस इंडस्ट्री में, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का बात करिए और मैं कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होऊंगा, बट मुझे ये बताइए कि यदि मैं अपने ही घर में बनाना शुरू कर दूं तो मेरे घर में जो क्वालिटी होगी उसी पर मैं संतुष्ट होऊंगा, लेकिन मुझे यदि बेस्ट क्वालिटी बनानी है तो मैं इसकी वो क्वालिटी कहीं से बनाऊंगा, तो मैं, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, R&D है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, मॉलिक्यूल डेवलपमेंट है, तो मैंने फॉर्मुलेशन पे बात की। अब मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनी जो 1,000 करोड़ की फार्मा कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, क्यों, फैक्ट्री लगाने के पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं करती क्योंकि वो दूसरे से करा के लेती है। आपका गाड़ी है तो गाड़ी में टेढ़ा है तो आप टेढ़ा ही चलाओगे, लेकिन यदि आपने ओला उबर मंगाया है तो क्वालिटी से मंगाया हुआ है। तो आउटसोर्सिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इज सपोज टू बी क्वालिटी जॉब, क्वालिटी के लिए किया जाता है, पैसे के लिए नहीं किया जाता है। और हमारा वैसे भी जो कोर बिजनेस है वो डिफरेंट है, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे हो हम उसमें 30% इन्वॉल्व हैं, ओनरशिप में इन्वॉल्व हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। अब आपके सवाल का लास्ट जवाब, जो आपकी चिंता थी कि कहीं बाद में ये क्वालिटी होगा, क्वालिटी के लिए मैं आपके सामने पर्सनली मौजूद हूँ, मैं पर्सनली क्वालिटी के साथ मौजूद हूँ, और वो सारे के सारे यूनिट जिसकी बात कर रहे हैं वो शेयर स्टॉक के साथ आपके साथ मौजूद हैं, और ये जो वेल्दी लाइफ है वो आपकी खुद की कंपनी है, गोयंग आपका खुद का ब्रांड है, और क्वालिटी चेक करने के लिए आपको जानना है तो गोयंग जियो मार्ट में अवेलेबल है, 1MG में अवेलेबल है, अपोलो में अवेलेबल है, बिग बास्केट में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में है, सीनियोरिटी में है, अमेजॉन में है, यू नेम इट, और वहां पे, और वहां पे भी बेस्ट सेलर बोल के है, आप चेक करें बेस्ट सेलर है। तो कोई एक प्रोडक्ट किसी कंपनी का उठाइए और कहीं पे ऑनलाइन बिकता हो तो बताइए, किसी लीडर ने रख दिया तो बात अलग है, बिकता हो तो बताइए, तब बिकेगा जब प्राइस मैच होएगा, और प्राइस तभी मैच होएगा जब ऑनेस्ट प्राइस दी जाएगी जो हमने दिया है। और ये CMD का विजन है कि वो हमेशा कहते हैं कि 1 रुपया नहीं बचेगा चलेगा, लेकिन ऑनेस्ट प्राइस देना है, ऑनेस्ट प्राइस दिया जा रहा है। तो आपको पहले, इसीलिए आपने अपनी वाई अभी क्लियर की, इस तरीके की वाई हो क्लियर कर लीजिए, यदि कन्विंस है तो उस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ाइए, उस तरीके की चीज है। नेक्स्ट सेशन के लिए टाइम अभी परमिट नहीं कर रहा है, अभी 4 मिनट बचा है, 9 बजे दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, आप लास्ट सवाल पूछ ले। सर, मैं एक UTI के लिए क्या है सर, UTI इंफेक्शन के लिए, सिस्ट वगैरह के लिए हमारे पास बेस्ट। आपके पास कलरोफिल मैंने बताया था और उस दिन UTI इंफेक्शन की भी डिटेल में बात हुई थी, और एक और है आपके पास फाइटो लाइफ, वो भी बहुत अच्छा असर करेगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगला सेशन भी आपका एक लोगों का आग्रह है, क्योंकि आज समय का रिस्ट्रिक्शन है, संडे में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, अगर आपके पास टाइम फ्रेम हो तो। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ कनेक्ट रहने वाला हूँ, अगला प्रोग्राम मैं डिक्लेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।